आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने 75 दिनों के लिए मुफ्त बूस्टर की टीकाकरण की व्यवस्था की है, जिसका लोग बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर लाभ उठा रहे हैं। भिलाई में भी अनेक स्थानों पर टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके निरीक्षण के लिए यूनिसेफ के अधिकारी भिलाई पहुंचे और अनेक केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा टीकाकरण के लिए पहुंचे लोगों से चर्चा भी की। जी, अभी आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में हम लोगों ने, भारत सरकार ने पूरे देश में 18 से 59 ईयर्स के जो एज ग्रुप है उनके लिए निशुल्क टीकाकरण बूस्टर डोज के लिए सुविधा प्रदान की है, जो कि 75 दिनों के लिए है। और इन 75 दिनों में हमारा पूरा प्रयास है कि ज़िले के सभी जो बेनिफिशियरी है उनको वैक्सीनेट करके, बूस्टर डोज करके अपनी जनता को सुरक्षित रख सके। और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अभी करीब 1,00,000 लोगों ने लगा लिया है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि बूस्टर डोज जितने जल्द हो सके लगा लें, अपने नज़दीकी वार्ड पार्षद से संपर्क में रहें और जहाँ भी साइट लग रहे हैं, इवन हॉस्पिटल्स में हमारे यहाँ डेली वैक्सीनेशन चलता है, इंक्लूडिंग संडेज, नेशनल हॉलीडे, तो आप संडेज को अपने परिवार के साथ वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। अभी हमारे पास करीब जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन शिविर पूरे दिन उपलब्ध रहता है, तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप कभी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके अलावा फील्ड में भी हमारे सेक्टर एरिया में जहाँ पे अस्पताल कम है वहाँ पे हमने सेक्टर 5, सेक्टर 7 जैसे कुछ साइट हैं, और संडे को विशेष अभियान करके हम कुछ जगह जहाँ डिमांड ज़्यादा आती है वहाँ पे हम लोग प्रबंध करा दे रहे हैं। मकसद तो ये है कि हमारे क्षेत्र में कैसे हमारा कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा है, लोगों की सहभागिता कितनी है, हमारे एफर्ट्स कैसे जा रहे हैं। जब से आपने सुना होगा कि 9 महीने से कम ये अब अवधि कम कर दी गई है, अब 6 महीने पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, और ख़ास तौर से बाद और सरकार ने इसको 75 डेज के लिए जो आज़ादी के महोत्सव है, अमृत महोत्सव, उसको मनाने के लिए 75 दिन को कर दिया, और 31 सितंबर तक ये वैक्सीनेशन जारी रखने की कोशिश की गई है। तो लोगों का कितना है, उनको कितना फ़ायदा मिल रहा है वैक्सीनेशन को जानकारी नहीं है, और हमारे क्षेत्र में कितना वैक्सीनेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए, और जो भी और अच्छा कैसे कर सकते हैं, लोगों की सहभागिता ज्वाइन कर सकते हैं और लोगों को कैसे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमारे सत्रों पर आकर के ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो और हमारे देश से कोविड की बीमारी पूरी तरीके से जा सके, यही कोशिश है जानने की। यूनिसेफ की टीम स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के जो MD मैडम के गाइडेंस होते हैं और जिला स्तर पे जिला कलेक्टर के गाइडेंस होते हैं, उनके साथ अलग अलग तरीके की गतिविधियों में सहयोग कर रही है, चाहे वैक्सीन डिलीवरी को लेकर के हो या प्रचार प्रसार संबंधी कोई जानकारी को लेकर के हो, इन सभी माध्यमों से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है हर जगह पर, हर 2800 जिलों में।